नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। रविवार को कानपुर नगर के विकासखंड पतारा के खंड विकास अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालयों में गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान दोनों ही कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जहां ब्लॉक प्रमुख कोमल सिंह एवं खंड विकास अधिकारी प्रवीणा शुक्ला द्वारा महात्मा गांधी व श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्रों के समक्ष माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किए गए। इसके पश्चात शहीद स्मारक पर भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पुष्प अर्पित किए गए। साथ ही साथ खंड विकास अधिकारी द्वारा दोनों महापुरुषों की जीवन शैली पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी अश्वनी कुमार, लेखाकार राम प्रकाश सचान, निशा अजहरुद्दीन, मकसूदन आदि कर्मचारी एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। वहीं पतारा ब्लॉक के समस्त सचिवालयों में भी गांधी जयंती मनाई गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में भी गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय पोषण स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा 2022 कार्यक्रम के तहत बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर 162 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 486 बच्चों को सम्मानित करते हुए प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख कोमल सिंह ने अपने करकमलों से बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग से वंदना बत्रा सहित ANM मृदुला श्रीवास्तव, सुनीता सुमन कुमारी एवं मुख्य सेविकाएं शोभा गौतम, वीना देवी, सुमन कटियार, कल्पना यादव, स्टोर इंचार्ज शिवम आदि स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम में 21 कन्याओं को भोज भी कराया गया। अंत में बाल विकास परियोजना अधिकारी सुमन ने सभी का आभार व्यक्त किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए कानपुर से साहिद खान की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।